हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और या तो अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में रियल नंबर का लेमा एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मैंने बढ़ाया था और आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएगी और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा इसमें कि हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ क्यों करते हैं। अब हम उसको यूज करके हम दो क्वेश्चन सीखेंगे इस वीडियो के अंदर और दोनों में से दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। पहला बेसिक क्वेश्चन है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, चलिए आइए हम वीडियो शुरू करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 25। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 25। अब क्या करते हैं, हम बेसिक चीज जो बचपन से पढ़ते आए हैं उसके हिसाब से हम एचसीएफ निकालते हैं। 18 वन जा 18, 7 फिर 18 से, 7 टू जा 14 कैरी 4, फिर 7, 4 1 जा 4, 3 1 3। ठीक है जी, ये चीज है आपको। अब इसको हम ये लिख रहा, पहला स्टेप में आपने क्या किया, तो 25 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 7, फिर 18 को डिवाइड कर रहा है। दूसरा स्टेप, 18 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, फिर अगला स्टेप, 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3। फिर स्टेप 4, अब 4 को डिवाइड कर रहे हैं, 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1। 3 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 0। अब जैसे ही जीरो आ गया मतलब आपका काम खत्म हो गया। अब जीरो आ गया तो एस सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एस सी एफ इज इक्वल टू 1। क्लियर है? क्लियर है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, वीडियो आप रोक करके पाउज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका एक आर एस अग्रवाल का। ठीक है, और आपको अगर सक्सीड करना जीवन में तो सबसे पहले एग्जाम्पल बनाइए जरूर आर एस अग्रवाल का, 3 बार आप रिविजन करिएगा तब आपको 90+ आपको मार्क्स आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल को बनाना कंपलसरी है और जब भी बनाइए, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपको जिन जिन क्वेश्चन में डाउट हो रहा है उनको टिक करते जाइए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जो रिविजन करें तो इस पर ज़्यादा फोकस रहे आपका। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एस सी एफ ऑफ 16, 5, 16, 51 and 20, 30। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एस सी एफ ऑफ 16, 51, 20, 32। और क्या करना है साथ ही साथ, एक्सप्रेस दी एस सी एफ इन द फॉर्म ऑफ16, 51 m + 20, 32 n। इसके टर्म में करना। ये क्या दे दिया सर, कुछ नहीं दिया आपको तो। ये क्या बोला पहले, एस सी एफ निकाले, उतना तो आता है भाई जीवन में परेशान में, तो जितना आता है पहले उतना करिए, उसके बाद अपने आप रास्ता दिखने लगेगा। आप घर पे हैं तो घर से हो सकता है आपके जो आपका जो स्कूल है वो नहीं दिखता है, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा आगे बढ़ते फिर स्कूल दिखने लगता है। तो एक टारगेट बनाइए, अच्छा उसके बाद वो। तो पहले आपने एस सी एफ निकाल लेना है वन टाइम्स में, 1, 8 फिर 6, 3, 9, 381 फिर 16, 51 कितना बार में, यस 4 टाइम्स में 15, 24
फोर वन जा फोर 1524 क्या आ जाएगा ये 127 सेवन फोर टू टू जा फोर 381 तो थ्री टाइम्स में 381 क्लियर है। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया मतलब एस सी एफ कितना आया 127 क्लियर है। आई होप सो क्लियर होगा है ना। अब आपको बोला है एक्सप्रेस दीज इनटू एक्सप्रेस एस सी एफ इन द फॉर्म ऑफ 1651 m। लेकिन अभी आपको अगर एस सी एफ को भी देखिएगा तो 127 बराबर क्या आया 381 सॉरी 381 इज इक्वल टू 127 इंटू 3 यही आया है प्लस 0 है ना। अब जो जो स्टेप किए पहले उस स्टेप को लिखेंगे। पहला स्टेप जिसे जो पिछले क्वेश्चन में किया था आपने 2032 1651 प्लस या इंटू 1 कर लीजिए प्लस 381 ठीक है। दूसरा स्टेप हमें आपने किया जो यहाँ पे बन रहा उसको 1651 इंटू 381 इंटू 4 प्लस 127 ठीक है। तीसरा स्टेप में आपने किया 381 इज इक्वल टू 127 इंटू 3 प्लस 0। यहाँ तक आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा कि ये काम आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब मेरा टारगेट है कि 127 को हमको प्रूफ क्या करना है कि 127 SCF है तो इज इक्वल टू इसके टर्म में। तो कैसे है आप ये पहला इक्वेशन ये दूसरा और ये तीसरा ठीक है इसको मैं मिटा दूँ। तो आपको क्या रहना चाहिए 127 रहना चाहिए। तो यहाँ से ले लेता हूँ 127 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। चलिए इक्वेशन सेकेंड को लिखा 1651 381 इंटू 4 प्लस 127 कोई शक 127 को एक तरफ रहने देना है बाकी को इस तरफ ले यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कर रहे हैं सर हम यही कर रहे हैं कि 127 इज इक्वल टू हमको दिखाना है 1651 2032 के टर्म में। तो 1651 तो है 381 अपने मन से कायल बन के आ गया तो यहाँ से 381 का वैल्यू निकालेंगे तो 381 इज इक्वल टू 2032 1651 माइनस अब जेल में बंद कर दे रहे क्योंकि दो चीज़ आ रहा है 2032 माइनस 1651 है ना 1651 गुने 4 ये 4 वाला ये 30 81 की जगह पर ये चीज़ है ना और गुने चार इज इक्वल टू 127 1651 माइनस 2032 गुने 4 से गुना किए ठीक है या पहले भी अंदर रहने दीजिए माइनस 1651 गुने 4 दोनों में 4 से गुना कर दिए इज इक्वल टू 127 ठीक है। अब सबको जेल के बाहर निकाल लें 1651 2032 गुने 4 माइनस माइनस प्लस 1651 गुने 4 इज इक्वल टू 127। अब 1651 यहाँ भी है यहाँ भी है क्या कोई 4 1 5 तो 1651 गुने 5 माइनस 2032 गुने 4 इज इक्वल टू 127 आ गया ना 1651 और 2032 m क्या दिया है वही m जो वेरिएबल गुना है तो m बराबर 5 n बराबर क्या ये प्लस में है ध्यान से समझिए ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस 4 लिखेंगे तभी तो ये प्लस में होगा है ना। अगर इसको प्लस में करना होगा तो प्लस 2032 गुने माइनस 4 तभी ना माइनस प्लस माइनस लिखेंगे तो n इज इक्वल टू हो गया माइनस 4 n इज इक्वल टू हो गया माइनस 4। अगर यहीं पे माइनस के पे प्लस के जगह माइनस रहता तो तब क्या लिखते n इज इक्वल टू सीधे 4 n इज इक्वल टू सीधा 4 है ना। अभी ये प्लस है और यहाँ पे माइनस आ रहा था n इज इक्वल टू माइनस 4 ये हो गया आपका। वीडियो को दोबारा देखिएगा गारंटी देता हूँ समझ में आएगा। जो चाहिए ये दोनों के टर्म में चाहिए तो आपने 381 लिया 127 वाला लिया 127 ये वाला क्यों नहीं लिया कि 381 फिर इधर करेंगे फिर 381 डालेंगे इसमें से फिर इसमें ज़्यादा बहुत कैलकुलेशन कैलकुलेटिव हो जाएगा। यहाँ से मैंने लिया 127 को एक तरफ कर दिया क्योंकि उसी का वैल्यू है वह सी एफ वही है और 381 को इधर ले आया। अब पहला क्वेश्चन 381 का वैल्यू डाल दिया ठीक है समझ में आया। आज का होमवर्क आपका रहेगा एग्ज़ाम्पल नंबर टू थ्री और एक्सरसाइज का आप बना लीजिएगा
1, 2, 4 देखिए आपका होमवर्क है एग्जाम्पल 2, 3 और एक्सरसाइज 1, 2, 4 एंड 10 1 से 4 और 10 ये प्लीज़ बना लीजिएगा। स्टिल कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसको और बेहतर ढंग से करेंगे। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइज 1A का जो और रिमेनिंग पार्ट है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए और प्लीज़ इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। स्टिल डाउट होता है कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए। थोड़ा सा जो भी अंदर जेलस वेलस है उसको हटा के शेयर कर दीजिए यार, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा और आपके लिए और भी बेहतरीन चीज़ आने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। बहुत लाइव सेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने का हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए मुझे नंबर ऑफ़ पीपल थोड़ा चाहिए जो कि लाइव सेशन में ज्वाइन करे, तब आपको मजा आएगा। लाइव क्विज़ में होगा कि आप टॉप बोर्ड पे होंगे और जो भी जीते उसका 500 कैश 500 पेटीएम कैश आपको मिलेगा या फ़ोनपे जो भी आपके माध्यम से आपके पे भेज दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम 30-40 लोग जो लाइव में चाहिए, तो उसके लिए आपका मदद चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मंथली में 1000 रुपीज़ नहीं पे कर सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप सपोर्ट करते रहिए, उम्मीद करते हैं और आगे भी करते रहिएगा। आपका प्यार और आपका विश्वास इतना मेहनत कराता है। चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।